नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास एयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपको मालूम है आपका चैप्टर चल रहा है वायरिंग का, और वायरिंग का चैप्टर में लगभग आपकी अर्थ दो प्रकार थे, प्लेट अर्थिंग पाइप अर्थिंग दोनों कम्प्लीट हो चुकी है। तो आज आपके नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं जिसमें आपके स्विच बोर्ड और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सभी चीज़ें और आपके लैंप पर से क्या ऊंचाई होती है, फैन की क्या होती है, हर चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि लगभग इस लेसन में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आज आपको इस क्लास में बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो टेक्निकल के एग्ज़ाम है, जैसे आपको मालूम है अब आपके एक वो भर्ती आने वाली है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, इसके अलावा UPPCL की वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा बहुत सी टेक्निकल की वैकेंसी आने वाली है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ट्यूशन लेके आए हैं। बच्चों की डिमांड थी, सर ट्यूशन भी बताओ, तो आज आपके लिए लगभग ये 10-15 क्वेश्चन है जो हल करा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट देखना, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करें, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए, और पहला क्वेश्चन देखो आपका। पहला क्वेश्चन का क्या है, कंट्रोल स्विच बोर्ड की फर्स्ट से न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है। जो आपका कंट्रोल स्विच बोर्ड है, यानी आपका कंट्रोल स्विच बोर्ड कौन सा आता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है यानी वितरण बोर्ड आता है, उसकी फर्श से यानी फर्श से ऊपर हाइट होती है 1.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 1.3 मीटर यानी उसमें हो गई आपकी 130 सेमी, यानी लगभग 130 सेमी से कम उसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको मीटर में पूछ सकता है और सेमी में पूछ सकता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर मीटर तो याद रहती है, ये चीज़ें किताब में दी होती है, लेकिन बहुत से बच्चों को मीटर को सेमी में चेंज नहीं करना आता है। तो ये आज ही देख लेना कि लगभग 130 सेमी हो गई। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे क्या है, यानी सभी प्रकार के उपकरणों की ऊंचाई, यानी सभी प्रकार, हाँ सभी प्रकाश उपकरणों की ऊंचाई। प्रकाश उपकरण क्या हो गए, जैसे आपकी लैंप हो गई या फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, उनकी फर्श से न्यूनतम ऊंचाई 2.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी फर्श से, अगर ये इस लैंप की बात करें या फ्लोरोसेंट ट्यूब कुछ भी है, उसकी फर्श से न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मीटर होनी चाहिए। आगे बात करें, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, छत के पंखे की ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम ऊंचाई, यानी आपका फर्श है तथा ऊपर छत, आपका जो पंखा है, जो पंखे की ब्लेड आती है, उनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो आपके छत के पंखे के ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम दूरी 2.75 मीटर से, हाँ 2.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 2.25 है, ध्यान रखना, अगर प्रकाश प्रकार के उपकरण पूछे, लाइट पूछे तो 2.25, अगर प्रश से पंखे की ब्लेड पूछे तो वो क्या आपकी 2.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, यानी आपका जो पंखा है वो लैंप से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका लैंप या फ्लोरोसेंट वो 2.25 है, बल्कि पंखा क्या है 2.75 मीटर से लेकर 3 मीटर की दूरी में होनी चाहिए। यानी न्यूनतम तो 2.75 ऊपर होना चाहिए और अधिकतम आपका 3 मीटर अधिक होना, 3 मीटर तक होना चाहिए। आगे बात करें, छत तथा पंखे के ब्लेड के बीच, यानी ऊपर से आपकी छत है और ये नीचे पंखा है, तो आपका ये छत और ये पंखे, इन दोनों के बीच में न्यूनतम अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 300 mm, यानी कुल मिला के 30 सेमी। और आपको ये भी मालूम है, एक फिट में लगभग आपकी 30.28 सेमी होती है, तो लगभग एक फिट होनी चाहिए किससे, ऊपर छत से पंखे की दूरी 30 सेमी या लगभग 300 mm होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये चीज़ तो मालूम है कि फर्श से पंखे की ब्लेड की ऊंचाई लगभग 2.75 से 3 मीटर होती है, लेकिन ऊपर छत से पंखे की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक फिट या आपके लगभग 300 mm या 30 सेमी होनी चाहिए। तो आपके लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो आप 5 नंबर क्वेश्चन है, स्विच तथा फ्यूज, यानी आपका स्विच तथा फ्यूज सदैव कहाँ पर लगाए जाते हैं। तो आपके स्विच तथा फ्यूज सदैव फेज तार के सीरीज में लगाए जाते हैं, यानी सीरीज क्रम में लगाया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी जो आपका जीवित तार है वहाँ पर ये स्विच ऑन ऑफ का कार्य करेगा तथा वहाँ पर ये आपका फ्यूज कार्य करेगा, क्योंकि ओवरलोड करंट हो या शॉर्ट सर्किट हो तो आपका फ्यूज परिपथ को तोड़ देता है और परिपथ की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट बात करें, यानी दीवार से स्वीप कितनी दूर होनी चाहिए। अब दोस्तों ये देखो, स्वीप यानी क्या होता है, आपका पंखा होता है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ, यानी आपका ये बता रहा अगला, इस प्रकार लगभग 120 डिग्री एंगल पे ये आते हैं और ये आपका क्या है,
पंखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आता आपका पंखा। तो ये बोल रहा है कि दीवार से स्वीप कितनी दूर पर रखना चाहिए, यानी ये आपकी इधर दीवार है, ये तो इसकी क्या आ गई, ये ब्लेड आ गई। तो ध्यान रखना हमेशा दीवार से स्वीप कितनी दूर होना चाहिए, तो लगभग इस ब्लेड का दो गुना होना चाहिए। कितना? दो गुना, यानी माना ये आपकी कितनी है, 30 सेमी है, तो इधर आपकी इस ब्लेड से इधर लगभग 60 सेमी का गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए हैं कि दीवार से स्वीप कितनी दूर पर रखते हैं। स्वीप यानी पंखे की ब्लेड है, उसको दीवार से कितनी दूर रखें, तो ब्लेड के दो गुने दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आगे बात करिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो मेन डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी सब पर डीबी यानी क्या हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्रस से न्यूनतम ऊंचाई, यानी आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्रस से 2 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मैंने बताया था मेन स्विच बोर्ड बता दो या डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रस से 1.3 मीटर की दूरी पर रखते हैं, लेकिन अगला बता रहा है कि न्यूनतम ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1.3 मीटर तो होनी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा करके उसको 2 मीटर से अधिक नहीं करना चाहिए। आगे दे रखा तथा 1 मीटर से कम भी नहीं, न तो 1 मीटर से कम हो न 2 मीटर से अधिक हो। वैसे वास्तविक की मीटर की दूरी बताई गई है, 1.3 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, इसके अलावा आपका जो पावर स्विच आता है वो लगभग आपकी 1 मीटर की दूरी पर आता है। आगे बात करें दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, एसी में क्या लगाते हैं, फेज में फ्यूज, हमेशा एसी के फेज में फ्यूज लगाते हैं तथा न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगाते हैं। न्यूट्रल में क्या लगाते हैं, न्यूट्रल लिंक लगाते हैं। अब फेज में फ्यूज क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक क्यों लगाते हैं, क्योंकि फेज में क्या होता है, आपका ओवरलोड करंट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो फ्यूज क्या हो जाता है, पिघल जाता है या टूट जाता है, जिससे परिपथ की सुरक्षा हो जाती है। और न्यूट्रल में क्या होता है, आपका लिंक न्यूट्रल लिंक ही लगा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सॉकेट सदैव 3 पिन का उपयोग करना चाहिए। अब आप लोग सभी जानते होंगे, एक सॉकेट आता है, एक प्लग आता है, यानी प्लग और सॉकेट आता है। तो हम बात करें सॉकेट की, तो सॉकेट सदैव 3 पिन का उपयोग करना चाहिए, इसके 8 पिन को अवश्य संयोजित करें। और आपको मालूम है 3 पिन सॉकेट है, तो इसमें एक फेज का आ गया, एक न्यूट्रल आ गया और एक किसका आ गया, अर्थ। और हमेशा अर्थ वाले को अर्थ से संयोजित करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए, जिससे उसका लीकेज करंट ग्राउंड हो जाए और वार्निंग किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि आपको मालूम है अगर आप अर्थिंग करोगे तो अगर ओवरलोड करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपकी वायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उपकरण नहीं चलेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अर्थ लगाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपका, ये क्वेश्चन। आगे बात करूँ दोस्तों, अब आपके 3 पिन सॉकेट क्या होता है, कि माना कि यह आपका 3 पिन सॉकेट है, तो 3 पिन सॉकेट ध्यान रखना दोस्तों 3 पिन सॉकेट क्या होता है, एक तो होता है, ये तो क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ध्यान रखना। तो हमेशा आपका जो राइट हैंड है ये होता है हमेशा फेज का, और लेफ्ट हैंड होता है हमेशा न्यूट्रल का, ध्यान रखना। हमेशा 3 पिन सॉकेट में लेफ्ट हैंड भाग को न्यूट्रल से संयोजित करना चाहिए और राइट हैंड भाग को फेज से संयोजित करना। ये चीज़ें भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो दोस्तों ये चीज़ भी आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे बात करें, 2 पिन सॉकेट का उपयोग डबल इंसुलेटर बॉडी वाले उपकरणों में किया जाता है, यानी जहाँ पर डबल इंसुलेटर वाली बॉडी है वहाँ पर ही ओनली 2 पिन सॉकेट का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि 3 पिन में तो क्या होता है, हम अर्थ कर देते हैं तो उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लेकिन डबल इंसुलेटर वाले सॉकेट में किसी प्रकार की अर्थिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर लगभग डबल इंसुलेटर होना चाहिए। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो वायरिंग में लीकेज करंट परिपथ की कुल धारा की, यानी आपकी एसी जो सप्लाई होती है वहाँ पर लीकेज करंट कुल धारा की 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल धारा यानी जितनी धारा आ रही है, लगभग 15 एम्पीयर आ रही है, तो उसकी 1/5000 धारा लीकेज हो सकती है, तो 1/5000 से अधिक लीकेज नहीं होनी चाहिए। तथा डीसी की बात करूँ तो डीसी में 1/2000 से अधिक लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों आपको मालूम है कि एसी में 1/5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और डीसी में 1/2000 से अधिक नहीं, लेकिन इससे संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैं एक निम्नलिखित बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों माना कि इसमें पूछा है 5 एम्पीयर में लीकेज करंट कितना होगा, माना कि 5 एम्पीयर सप्लाई आ रही है घर पे,
तो आपको पूछेंगे 5 एम्पियर में लीकेज करंट होगा, तो आपको मालूम है कुल धारा कितनी देर की है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का पूछ रहा है तो उसमें 1/5000 का भाग दे दो, आपकी जो लीकेज करंट है वो ज्ञात हो जाएगी। देखो दोस्तों हमने पहले हल कर रखा है कि 5 एम्पियर यदि लीकेज करंट कितना होगा, तो कुल धारा कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 एम्पियर लीकेज करंट में कुल कितनी कितना होगा, तो 5 में 5000 का भाग दे दिया तो क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है, ये तो मालूम है एसी में 1/5000 लीकेज करंट होता है, डीसी में 1/2000 होता है। अगर कभी आपको दे दे कि डीसी में 5 एम्पियर है तो लीकेज करंट कितना होगा, तो उसमें 1/2 का भाग दे देना। अगर एसी में पूछ ले तो अगर कुल धारा आपको 10 एम्पियर 5 एम्पियर कितनी दे, उसमें 1/5000 का भाग दे देना, आपकी लीकेज करंट ज्ञात हो जाएगी। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन 12 नंबर इंसुलेटर प्रतिरोध का मान, यानी हम इंसुलेशन प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार होता है दोस्तों। तो दोस्तों इंसुलेटर प्रतिरोध का मान में है कि पहला है आपका थंब रूल के अनुसार कितना मान होना चाहिए यानी प्रतिरोध का, तो थंब रूल के अनुसार 1 मेगा ओम से अधिक नोइंजे, यानी कोई भी आपकी बॉडी है किसी का प्रतिरोध, कोई भी उपकरण है उसका प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी वो क्या है ये एकदम थंब यानी क्या होता है सही, डन या लाइक, यानी हम क्या कहते हैं डन यानी लाइक या सही। जैसे हम आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करो शेयर करो अच्छा लगे, तो वो ये क्या है डन यानी थंब यानी अच्छा है। तो यानी कुल मिला के सबसे अच्छा यही है कि 1 मेगा ओम से अधिक इसका प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। आगे देखें लीकेज धारा के अनुसार वोल्टेज, यानी आपकी इसमें पूछ रहा है कि अब इसमें लीकेज धारा आपको ज्ञात करनी है, तो लीकेज धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वोल्टेज इंटू 5000 / कुल धारा का भाग दे देंगे, यानी कुल मिला के क्या हो गया R/V/I, यानी आपको मालूम है धारा लीकेज धारा कितनी 1/5000 है। तो यहाँ पर अगर आपने धारा दे रखी है वोल्टेज आप ज्ञात कर लोगे तो प्रतिरोध आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, यानी कुल वोल्टेज ज्ञात करके आप इसमें इसका धारा का भाग दे दो तो इसमें लगभग 10^6 मेगा ओम आएगी। तो दोस्तों ये आपको न्यूमेरिकल बाद में हल करेंगे अच्छे से बताएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे देखो लीकेज धारा अगर और ज्ञात करनी है आपको, तो लीकेज धारा और ज्ञात करने की क्या करेंगे 50 / उपभोग बिंदु की संख्या, यानी आपको 50 में जितने भी घर पर उपभोग आपको किसी उपभोग बिंदु दे रखे हैं उनका भाग देना है। माना कि आपको दे रखा है 50 / उपभोग बिंदु की संख्या और हमने मान लिया कि 100 उपभोग बिंदु है, तो इस 50 में भाग दो तो इसमें क्या आएगा आपकी 0.5 मिली एम्पियर धारा आ जाएगी, तो ये इस प्रकार ज्ञात हो जाएगी। आगे आपकी पीवीसी तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, पीवीसी तार का उपयोग किया जाता है, तो आपके पीवीसी तार का उपयोग मुझे तो इसमें 12.5 में उपभोग बिंदु की भाग दे दो, माना कि आपके उपभोग बिंदु 100 है तो इसमें 12.5 में 100 का भाग दो तो 0.125 मिली एम्पियर इसमें भी लिखे धारा ज्ञात हो जाएगी। तो अब आपके उपभोग बिंदु पूछे तो उपभोग बिंदु में क्या आ जाएंगे, इसमें स्विच होल्डर सर्किट है आपके क्या होते हैं उपभोग बिंदु, यानी इनका हम उपयोग करते हैं। आगे है वायरिंग में परिपथ केबल, यानी आपकी वायरिंग होती है वहाँ पर कौन सी केबल किस प्रकार कहाँ किस प्रकार काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना आपकी वायरिंग के लिए हम TRS यानी टफ रबर छितड़ केबल काम में लेते हैं, इसके अलावा VRS वल्केनाइज इंडियन रबड़ यानी आपकी VRS वल्केनाइज इंडियन रबड़ काम में लेते हैं। आगे PVC VIR है दोस्तों, ये VRS नहीं है VIR वल्केनाइज इंडियन रबड़। आगे आपकी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, काफ़ी बार एग्जाम इनके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर आपको पूछे कि वायरिंग में किस प्रकार की केबल काम लेते तो वायरिंग में 3 प्रकार की केबल काम में लेते हैं। दोस्तों ये आपके मोस्ट क्वेश्चन लगभग वायरिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपकी जो इसमें कुछ थोड़ी बाकी रह गई वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से इस क्लास में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले लो जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और फिर आसानी से क्वेश्चन उतार लो दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।